गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके इंटर पार्टिकल स्पेस के बारे में कि इंटर पार्टिकल स्पेस होता क्या है। तो चलिए इंटर पार्टिकल स्पेस देखते हैं। आपके मैटर मैटर क्या होते हैं, बहु बने होते हैं, जिसे मैटर आर मेड ऑफ मेनी मेनी पार्टिकल्स मेनी पार्टिकल्स बहुत सारे मैटर जो आपके किससे बने हुए, बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलकर बने हुए। इस चीज को मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर में बताया था इससे पहले के वीडियो में। अब यहाँ पर हम लोग इंटर पार्टिकल स्पेस के बारे में देख रहे हैं, तो चलिए उसके बारे में ही डिस्कस करना है। मैटर आर मेड ऑफ मेनी पार्टिकल्स। मैटर क्या होते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं। अब इसके पार्टिकल्स में क्या होते हैं, मैटर आर मेड ऑफ मेनी पार्टिकल इन इन मैटर इन मैटर पार्टिकल्स आर इन मैटर पार्टिकल्स आर मैटर में क्या होता है, इन मैटर पार्टिकल्स आर सेपरेटेड, उसको सेपरेट करना, सेपरेटेड सेपरेटेड बाय किससे, सेपरेटेड बाय वॉइड या बोलूं ब्लैंक। ब्लैंक मतलब क्या होता है, खाली स्थान। वॉइड या ब्लैंक आर नोन एज void या blank are known as interparticles क्या बोलूंगा, space। देखिए definition मैंने क्या लिखा, मैटर आर मेड ऑफ मेनी पार्टिकल्स। मैटर चूंकि किससे बने होते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलकर बने हुए, ये चीज को हम लोगों को तो पता ही है। अब क्या बोल रहा हूं कि मैटर पार्टिकल्स इन मैटर पार्टिकल को क्या होता है, आर सेपरेटेड बाय, उसको हम लोग को क्या करने की जरूरत पड़ता है, सेपरेट करने का। सेपरेट मतलब होता है अलग करना। दोनों को सेपरेट किस प्रकार से मैं कर सकता हूं, जैसे अगर ये बोलूं एक पार्टिकल्स है, दूसरा पार्टिकल्स ये है, अब दोनों सेपरेट किससे हो रहे हैं, जैसे मैं बोलूं इसके ऊपर ये पार्टिकल्स है, इसके ऊपर ये पार्टिकल्स है, क्योंकि हम लोग को ये पता है कि पार्टिकल्स आपस में कनेक्टेड होते हैं तो क्या बनाते हैं, आपके मैटर का फॉर्मेशन करते हैं। अब दो से अधिक पार्टिकल्स बोलूं उसको सेपरेट कौन करता है, तो वॉइड करता है और ब्लैंक। वॉइड बोलू या ब्लैंक बोलू, इसका ब्लैंक मतलब क्या होता है, खाली जगह। अब देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स मतलब खाली जगह को भरे, तो उसी प्रकार से ब्लैंक मतलब जो खाली स्पेस होता है, या वॉइड बोलू, वॉइड या ब्लैंक एक ही चीज है। वॉइड या ब्लैंक क्या करता है, उस स्पेस को क्या करता है, सेपरेट करता है। तो वैसे स्पेस को क्या बोलते हैं, नोन एज इंटर पार्टिकल स्पेस बोलते हैं। तो इंटर पार्टिकल स्पेस बोला जाता है। अब मैं इसको जैसे पार्टिकल के थ्रू से समझाता हूं आपको। जैसे मैं बोल रहा हूं अगर ये एक पार्टिकल्स है, बड़ा करके बता रहा हूं, ये दूसरा पार्टिकल्स है। अब बोल रहा हूं कि ये एक और पार्टिकल्स है, ये एक और पार्टिकल्स है, ठीक है। अब देखिए सारे पार्टिकल्स है अपने अपने, अब देखिए ये सब पार्टिकल्स को सेपरेट कौन कर रहा है, अलग कौन कर रहा है, तो आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा कि यहां पर देखिए खाली जगह पर है, यहां पर आपका ब्लैंक स्पेस है ना, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, वॉइड बोलते हैं, या तो उसे क्या बोल सकते हैं, ब्लैंक बोल सकते हैं, खाली स्थान। देखिए ये चारों के बीच में आपका यहां पर जो खाली स्थान छूट रहा है, ये क्या कर रहा है, पार्टिकल्स को अलग कर रहा है। यहां पर मैं ये नहीं बोल रहा हूं, ये सारे आपस में कनेक्टेड है, किसके द्वारा, मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स मैटर में बताया था इंटर पार्टिकल फोर्स इसमें लग रहा है, उसके थ्रू से ये आपस में अट्रैक्टिव फोर्स के कारण कनेक्टेड है। लेकिन इसके बीच में देखिए यहां पर जो है, यहां पर क्या हो रहा है, आपका ब्लैंक स्पेस है, जहां पर मैं ब्लू कलर कर रहा हूं, देखिए यहां पर ब्लैंक स्पेस प्रेजेंट है, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसे ही वॉइड या ब्लैंक बोलते हैं। और ये जो है सेपरेट करता है, और इस प्रॉपर्टी को इंटर पार्टिकल स्पेस बोलते हैं। आई होप आपको इंटर पार्टिकल स्पेस समझ में आ गया होगा। अगर यह वीडियो समझ में आ गया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके ही जाइएगा।